नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना अतिशोक्ति नहीं होगा, और इसी संविधान का प्रीएम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करती है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी न होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते एक हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन के इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहां मौजूद हैं आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। आज हम जिस विषय के साथ आपके सामने आए हैं वो है लॉ ऑफ मेंटेनेंस, और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। लॉ ऑफ मेंटेनेंस पर क्या कानूनी प्रावधान बनाए गए हैं, इसको जानने के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमारे साथ इस खास कार्यक्रम के माध्यम से आप जुड़ सकते हैं, अपना सवाल कर सकते हैं। तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर आप हमें कॉल करें और लॉ ऑफ मेंटेनेंस से जुड़े क्या कुछ कानूनी अधिकार हैं वो भी आप हमें बता सकते हैं। तो लॉ ऑफ मेंटेनेंस पर आज हम लीगल हेल्पलाइन में चर्चा कर रहे हैं। आपके अगर लॉ ऑफ मेंटेनेंस से जुड़े कोई भी सवाल है, किसी भी तरह की समस्या है, या फिर आप किसी तरह की कानूनी हमसे हेल्प चाहते हैं, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। और आपके सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ यहां पर मौजूद है अधिवक्ता अल दानिश जी। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है लीगल हेल्पलाइन में, और मेरा आपसे पहला सवाल यही रहेगा, लॉ ऑफ मेंटेनेंस की बात कर रहे हैं हम, तो लॉ ऑफ मेंटेनेंस के बारे में हम जानना चाहेंगे कि लॉ ऑफ मेंटेनेंस है क्या। लॉ ऑफ मेंटेनेंस है जहाँ पर एक पति और पत्नी के बीच में जहाँ रिलेशनशिप सही नहीं चल रहा हो और पति और पत्नी के बीच में डिस्प्यूट अराइज हो गया हो, जिससे पति अपनी पत्नी को छोड़ देता है, तो पत्नी की इनिशियल सर्वाइवल के लिए एक मनीटरी बेनिफिट जो पति उनको देते हैं उनके सर्वाइवल के लिए, उनके सस्टेनेंस के लिए, उसको हम मेंटेनेंस कहते हैं जो हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए देते हैं। ठीक है, इसके कानूनी प्रावधान क्या कुछ है? लॉ ऑफ मेंटेनेंस पे एक 125 सीआरपीसी में आप मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं अपने हस्बैंड से। आप मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के अंतर्गत भी। आप मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं अगर आपके हस्बैंड किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, जैसे आर्मी है या रेलवेज है, तो आप उनको एक लेटर लिख के भेज सकते हैं। और इनके कोड ऑफ कंडक्ट में आता है कि इनको अपनी वाइफ्स को, अपने चिल्ड्रन को मेंटेन करना है, अदरवाइज ये अनबिकमिंग ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट है। तो ऐसे सिचुएशन में जो गवर्नमेंट है, या तो आर्मी या रेलवे फॉर एग्जांपल, वो इनकी सैलरी में से अमाउंट काटती है और वो डायरेक्ट इनको, जो वाइफ है, वाइफ को भेजती है इनके अकाउंट में। ठीक है, अब मैं इसमें आपसे ये जानना चाहूंगा कि जो मेंटेनेंस है ये कौन क्लेम कर सकता है, मतलब किसको अधिकार है कि वो मेंटेनेंस के लिए अपील कर सकता है और मांग कर सकता है मेंटेनेंस की, किन परिस्थितियों में? देखिए, 125 में मेंटेनेंस वाइफ भी क्लेम कर सकती है, बच्चे क्लेम कर सकते हैं, पेरेंट्स तक क्लेम कर सकते हैं अगर उनका देखभाल ना किया जा रहा हो। और डोमेस्टिक वायलेंस में मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है वाइफ, और ऐसे ही गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी वाइफ, बच्चे, पेरेंट्स मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। तो ये सारे प्रावधान इसलिए दे रखे हैं ताकि किन्हीं कारणों की तरह अगर इनको मेंटेन नहीं किया जा रहा है, हस्बैंड अपने अगर अपनी वाइफ को या अपने बच्चों को या अपने पेरेंट्स को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो वो पैसा उनको दिया जाए ताकि वो सेल्फ सस्टेन कर सकें। जी अल्दानिश जी, एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जैसे कि देखा जाता है कि हर जगह अलग अलग कानून रहता है, अभी कुछ मसले ऐसे हैं जहाँ पर हिंदुओं का अलग नियम है, मुस्लिमों के अलग नियम है, तो वहीं मेंटेनेंस के लॉ के बारे में बात की जाए अकॉर्डिंग टू हिंदू, तो उसका क्या रहेगा? अंडर हिंदू लॉ में मेंटेनेंस किस तरह से रहता है? शुरुआत में हिंदू लॉ से करना चाहूँगा। अगर हिंदू लॉ से हम शुरुआत करते हैं तो 125 जो सीआरपीसी है या डीवी एक्ट है या ये जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का मैं जो बता रहा हूँ आपको, ये सिर्फ हिंदू ही नहीं, मुसलमान भी
या किसी भी रिलीजन के हों, ये इनके अंतर्गत जाकर अपना मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। बहुत जगह मुसलमानों में ये क्लेम किया जाता है कि हमने मेहर दे दिया है तो जो मुसलमान औरत है वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती है। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने शमीम बानो वर्सेस अशरफ खान में बोला है कि 125 सीआरपीसी का जो प्रावधान है ये मुसलमानों के लिए भी है और हिंदुओं के लिए भी है। जी भाई, ये लॉ ऑफ हिंदू, ये मेंटेनेंस अंडर हिंदू लॉ की बात हुई है, वही अगर मेंटेनेंस अंडर मुस्लिम लॉ की बात करें तो उसमें ज्यादा कुछ अंतर हो जाता है क्या? नहीं, अगर मुस्लिम लॉ हो या हिंदू लॉ हो, 125 सीआरपीसी में मुस्लिम भी जा सकता है, हिंदू भी जा सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि अलग है। बिना डिवोर्स के भी मेंटेनेंस की हम यहाँ पर बात कर सकते हैं, मांग कर सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल, अगर हस्बैंड और वाइफ साथ में नहीं रह रहे हैं किसी कारणवश, तो वाइफ कोर्ट जाके 125 में मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हैं। ड्यूरिंग पेंडेंसी ऑफ द डिवोर्स पिटीशन या डिवोर्स पिटीशन ना डाला हो तब भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हैं। ठीक है, हमारे साथ लखनऊ से पूर्व जज दीपक श्रीवास्तव जी भी जुड़े हुए हैं। दीपक जी, यहाँ पर बात आज हम लॉ ऑफ मेंटेनेंस को लेकर कर रहे हैं, तो मैं आपसे और भी कई पहलू जैसे ऐसे हैं लॉ ऑफ मेंटेनेंस के जो यहाँ पर नहीं जानते हैं जनता, और हम अपने दर्शकों से भी कहना चाहेंगे कि अगर इससे जुड़े कोई भी कानून प्रावधान वो हमसे जानना चाहते हैं या फिर किसी तरह की कानूनी मदद चाहते हैं तो वो हमें कॉल कर सकते हैं और उनके सवालों का यहाँ पर जवाब दिया जाएगा। लेकिन सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि लॉ ऑफ मेंटेनेंस से जुड़े क्या कोई ऐसे पहलू हैं जो जनता के लिए बहुत लाभदायक है जानना, लेकिन वो अभी तक ऐसे जानते नहीं है और शायद एक बड़ी समस्या इसी वजह से होती है? अभी जैसे बात हुई, इन्होंने सेक्शन 125 सीआरपीसी के बारे में बताया और डीवी एक्ट के बारे में बताया, इससे अलग आप हिंदू एडॉप्शन और मेंटेनेंस एक्ट है उसमें भी प्रोविजंस हैं, और इसके साथ ही अगर डाइवोर्स पिटीशन पेंडिंग रहती है तो सेक्शन 24 में आपको पेंडेंटी लाइट भी प्राप्त हो सकता है, और सेक्शन 25 में आपको परमानेंट एलुमनी होती है अगर आपका डाइवोर्स हो जाता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एक्ट हैं, देयर इज अ डिफरेंस। जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में सिर्फ पत्नी के अधिकार हैं जी, ऐसे ही सेक्शन 24 में भी सिर्फ पत्नी के अधिकार हैं, बट जो सेक्शन 125 है उसमें पत्नी के अलावा बच्चों के लिए भी है, नाबालिग बच्चे जो होते हैं या बालिग बेटी हो जिसकी शादी ना हुई हो और उसकी, तब तक वो बालिग होने के बावजूद भी प्राप्त कर सकती है, और माता पिता अगर साथ में हैं, माता पिता भी अपने को नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं तो वो भी अपने लिए क्लेम कर सकते हैं वहाँ पे। सेक्शन 24 में थोड़ा सा अंतर है कि अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों ही एक दूसरे से क्लेम कर सकते हैं जी वहाँ पे, अगर जो भी आदमी अपने को नहीं कर सकता है वहाँ पे मेंटेन जो। ठीक है, हमारे साथ एक दर्शक इस वक्त जुड़ चुकी है धौलपुर से, नीलम जी। नीलम जी नमस्कार, स्वागत है आपका लीगल हेल्पलाइन में, बताइए किस तरह से हम आपकी मदद कर सकते हैं, क्या सवाल है आपका? चलिए, लगता है हमारा संपर्क यहाँ पर टूट चुका है, हम चाहेंगे कि वो दोबारा हमें कॉल करें और उनके सवालों का यहाँ पर जवाब दिया जाएगा। मैं एक सवाल सर मैं आपसे यहाँ पर करना चाहता हूँ दानिश जी, कि जिस तरह से मेंटेनेंस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं और ऐसे में अगर मेंटेनेंस की यहाँ पर मांग की जाती है महिला की तरफ से और जिस अपने पति से जैसे वो मेंटेनेंस की यहाँ पर मांग कर रही है और वो जॉब नहीं करता हो, तो ऐसे में क्या कोई कानून यहाँ पर है या फिर इसके लिए भी कोई रिस्ट्रिक्शंस या फिर कोई पाबंदियाँ, कोई मापदंड तैयार किए गए हैं? दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है इस पे, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर लड़का है और उसके हाथ पैर सही सलामत हैं तो ये कोई एक्सक्यूज नहीं हुआ कि मेरे पास जॉब नहीं है और मैं मेंटेनेंस नहीं दे सकता हूँ। अगर आप अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं तो आपकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने वाइफ को और अपने बच्चों को मेंटेन करें, और इसके लिए आपको स्ट्रिक्ट प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि मैं जॉब नहीं कर रहा हूं और किस रीजन के वजह से नहीं कर रहा हूं। सिर्फ मेंटेनेंस को अवॉइड करने के लिए नहीं कर रहा हूं तो दिस इज नॉट अ गुड रीजन। सर, प्रोसेस इसकी क्या रहती है कि क्या कैसे यहां पर क्लेम किया जा सकता है और क्या कानूनी प्रक्रिया क्या है? सर दीपक जी, सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंतर्गत आप जाकर के मजिस्ट्रेट के न्यायालय में अपनी एप्लीकेशन लगाते हैं। सर मैं इसके प्रोसेस जानना चाहूँ आपसे, सर इसके प्रोसेस जानना चाहूँ, उससे पहले हमारे साथ एक दर्शक इस वक्त जुड़ चुकी हैं लखनऊ से, सीमा जी। सीमा जी नमस्कार, स्वागत है आपका, अपना सवाल रखिए। हाँ
हाँ नमस्कार, वो पूछना, मेरी एक भतीजी है जी, वो मायके में रह रही है, उसका एक बेटा भी है जी, वो 3-4 साल का है बेटा, पति ना उसको उसको रखना नहीं चाहता, कहता बच्चे को रखूंगा उसको नहीं रखूंगा जी। अब वो कमाती भी नहीं है, आर्थिक स्थिति भी उसकी अच्छी नहीं है, तो मेरे दो प्रश्न है, एक तो अगर उसे पति से खर्चा चाहिए तो वो क्या करे, और दूसरा पति बार बार कहता कि बच्चे को मैं ले जाऊंगा, और वो बच्चा ही उसका सहारा है, वो इसीलिए बहुत परेशान रहती है। ठीक है, तो इसमें क्या किया जा सकता है अलदरन जी? जी इसमें तो आप 125 सीआरपीसी में आप अपना मेंटेनेंस का क्लेम डाल सकते हैं, अपने लिए और अपने बच्चे के लिए आप मेंटेनेंस का क्लेम डालें। दूसरी तरफ जहां पे रही चाइल्ड कस्टडी की बात, तो चाइल्ड कस्टडी के लिए लड़के को एक पिटीशन दाखिल करनी पड़ती है चाइल्ड कस्टडी अवेल करने के लिए, और वो चाइल्ड कस्टडी कोर्ट अवेल इसलिए नहीं कराती है क्योंकि कोर्ट का मानना है कि बच्चा अगर छोटा है तो अपनी माँ के साथ ही रहेगा तभी ठीक रहेगा। तो पति को बहुत कुछ प्रूफ करना पड़ेगा ये दिखाने के लिए कि बच्चे के सर्वाइवल के लिए और बेटर सस्टेनेंस के लिए ये बेहतर रहेगा कि बच्चा उसके पास रहे। तो ये चाइल्ड कस्टडी का केस है, वो उनको अलग फाइल करना पड़ेगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, उम्मीद करते हैं आपको आपके सवालों का यहाँ पर जवाब मिला होगा। वहीं राजस्थान से ममता एक और दर्शक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी है। ममता जी अपना सवाल रखिए। हाँ जी, मैं सिरोही राजस्थान से बोल रही हूँ जी, जी। कहिए। हाँ, कुछ कोर्ट में केस किया था मेरा, थर्ड ग्रेड 2013 थर्ड ग्रेड टीचर की भर्ती हुई थी जी, उसका रिजल्ट आया 2015 में और पोस्टिंग दे दी गई है, अब 2017 चल रहा है। एक्चुअली उसके अंदर मेरा नंबर आ चुका था, लेकिन आपसे कुछ पूछना था। बिल्कुल, कि इस आपसे क्या है, क्या सही है क्या गलत है जी, आपका सवाल क्या है? हाँ ये है कि एक सेकंड आप लो, पापा जी से बात कर लो जी। बिल्कुल, हेलो जी, बताइए किस तरह से आपकी मदद कर सकते हैं, क्या सवाल है आपका? हाँ, ये बच्ची का ये सवाल है सर कि जो विधवा कोटा की जो सीटें होती है जी दुल्हन महिलाओं में, हाँ, उस कोटे में क्या दुल्हन महिला को लिया जाएगा या दूसरी लड़की एस टी एस टी लड़की भी उसमें आ सकती है? जनरल कोटा है, क्या कहना चाहते हैं आप, कोटा किस चीज का है? तो, जनरल महिलाओं का जो कोटा है 33%, हाँ, उसी के अंदर जो है विधवा कोटा और परित्यक्ता कोटा और होता है इनका, हाँ, सभी सभी के अंदर, हाँ, सभी कैटेगरी, तो सामान्य के अंदर जैसे 5 सीटें हैं जनरल में विधवा परित्यक्ता के कोटे की थी जी, और उसमें विधवा परित्यक्ता कोई भी लड़की नहीं है उपलब्ध, अभ्यर्थी कोई नहीं है, तो वो 5 सीटें किससे जनरल महिला से भरी जाएगी तो उसको एस टी एस सी लड़की से भर नहीं, अगर वो जनरल कोटा है तो वो जनरल कोटे में ही जाएगा। दीपक सर क्या मैं सही कह रहा हूँ? नहीं, मैं इनकी बात समझ नहीं पाया, मेरे को स्पष्ट नहीं है कि इन्होंने क्या पूछा। क्या इनका ये कहना है कि 33% अगर आरक्षण जो कोटा यहाँ पर महिलाओं का है जनरल महिलाओं का, तो उसमें अगर 4-5% अगर कोटा वहाँ पर जैसा कि बताया इन्होंने कि विडो वुमेन्स का रहता है, तो उसमें जनरल का ही होगा या फिर कोई बाहर से कोई आ सकती है? नहीं, विडो का अगर कोटा है तो मैं नहीं जानता हूँ इस प्राविधान के संबंध में, हो सकता है कि ये राजस्थान स्टेट में लागू होता हो इस तरीके का प्रोविजन, तो राजस्थान, बट विडो तो फिर विडो के अंतर्गत आएगी क्योंकि महिला तो कोई भी महिला आएगी, और उसी महिला के अंतर्गत जब विडो का आ जाएगा, क्योंकि जनरल महिलाओं का रिजर्वेशन ऐसा नहीं होगा, महिला का रिजर्वेशन होगा, अगर महिलाओं का रिजर्वेशन है तो उसमें अगर विडो का अलग किया गया है तो विडो का अलग से उसमें किसी का भी आएगा जी। चलिए शुक्रिया, आप उम्मीद करते हैं आपको आपके सवाल का यहाँ पर जवाब मिला होगा। सर यहाँ पर बात चल रही थी कि किस तरह की प्रक्रिया है, यहाँ पर कितना वक्त यहाँ पर लगता है, कैसे यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं, उसके बारे में आप जानकारी दे रहे थे। हाँ, जैसे ये डिफरेंट एक्ट में डिफरेंट प्रक्रियाएं हैं, जैसे सेक्शन 125 सीआरपीसी के जहां तक प्रश्न है, आप मजिस्ट्रेट के न्यायालय में जाकर के अपनी पिटीशन फाइल कर सकती है वाइफ, और अगर उसके संग बच्चे हैं तो उनके लिए भी प्रेयर कर सकते हैं, तो या अगर उनके पेरेंट्स को करना है, मतलब जो भी उसमें है, एप्लीकेंट को जाकर के एप्लीकेशन देनी होगी, जब वो एप्लीकेशन देते हैं तो दूसरी पार्टी को नोटिस जाती है, और दूसरी पार्टी को नोटिस जाने में वो अपीयर होते हैं, फिर अपना जवाब लगाते हैं, और उसमें दोनों पक्षों को अपनी अपनी गवाही देनी होती है जी। जहां तक प्रश्न ये उठता है कि उसमें कंडीशंस क्या है कि आपको किस ग्राउंड पे मिल सकता है या किस ग्राउंड पे नहीं मिल सकता है जी, तो उसमें यही दिखाना होता है कि हमारा पति हमें नेग्लेक्ट कर रहा है
और हमारा ठीक तरीके से रख रखाव नहीं कर रहा है तो आपको उस ग्राउंड के ऊपर वो मिल जाता है। ठीक है, जैसा भी पहले बताया कि अगर पति के हो ही इज वेल बॉडीड तो ही हैज टू पे द मेंटेनेंस। जी ठीक है, एक तो सवाल यहाँ पर किसी भी जगह पे जा कि अगर इसमें जैसे कि देखा जाता है कि अगर मान लीजिए कोई मेंटेनेंस देने से मना कर देता है और तो उस पर किस तरह की यहाँ पर कार्रवाई या फिर किसी तरह की सजा पनिशमेंट कोर्ट की तरफ से कितनी स्ट्रिक्ट है यहाँ पर इस मेंटेनेंस के लॉ को लेकर? देखिए 125 सीआरपीसी जो हम देखते हुए आए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक केस में जिसका नाम है भुवन मोहन सिंह वर्सेस मीना एंड अदर्स, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी देखा है कि 125 सीआरपीसी तक का केस जी 9 साल 10 साल तक प्रोलॉन्ग हो रहा है, या तो कोर्ट मेंटेनेंस ग्रांट नहीं कर रही है, या अगर मेंटेनेंस ग्रांट हो रहा है तो हस्बैंड उस मेंटेनेंस को पे नहीं कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि भाई मेंटेनेंस पे द कोर्ट्स हैव टू बी, कोर्ट्स को बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए और बहुत ही स्पीडी एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा मेजर है जो एक औरत को उस टाइम मिलना चाहिए जिस टाइम उसको उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिस टाइम पति उसे निग्लेक्ट कर रहा है उस टाइम मिलनी चाहिए। अगर 9 साल तक उसे नहीं मिल रही है तो वो अपने आप को कैसे सस्टेन कर रही होगी इन 9 सालों में। तो सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए लोअर कोर्ट्स को और उनको गाइडेंस देते हुए भी कहा है कि ये जल्दी से जल्दी मेंटेनेंस का जो मैटर्स है इसको फर्स्ट गो में जल्दी से जल्दी रिलीफ ग्रांट किया जाए इसमें। शबीर आलम इस वक्त हमारे साथ बरेली से जुड़े हुए हैं। शबीर आलम जी स्वागत है आपका, अपनी बात रखिए, किस तरह से हम आपकी मदद कर सकते हैं? अच्छा जी ठीक है, और फिर अभी केस पेंडिंग पड़ा हुआ कोर्ट में, उसको कैसे किया, कैसे करके खारिज किया जा सकता है? अच्छा, अब आप लोग दोनों लोग साथ में रह रहे हैं, तकरीबन 4 साल से साथ में रह रहे हैं। ठीक है, अब ये केस खारिज करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है? अगर आपको ये केस खारिज करना है तो आपको हाई कोर्ट जाना है, हाई कोर्ट जाकर एक क्वेश्चन पिटीशन लगानी है, वहां पर आपका ये केस खारिज हो जाएगा। तो आपको हाई कोर्ट में जाके एक पिटीशन लगानी, दोनों पक्षों को यहां पर साथ में? जी हां जी हां, ये दोनों पक्ष साथ में जाएं, साथ में जाके कहें कि हम लोग अब साथ रह रहे हैं और अब जो मेंटेनेंस का जो ऑर्डर है जो ग्रांट हो रखा है वो वैसे भी अगर आप मेंटेनेंस अपनी वाइफ को दे रहे हैं तो आपको वो क्वैश कराने की जरूरत नहीं, आप देते रहें उम्र भर, अच्छी बात है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं अंबेडकर नगर से, नितिन सिंह जी। नितिन जी नमस्कार, स्वागत है आपका लीगल हेल्पलाइन में, रखिए अपना सवाल। नमस्कार सर, कहिए जी। सर मैं विद्यालय हमारा है जो जमीन में लीज पे दिया था जी, एक बार के नाम पे। जी एक बार फिर से सवाल दोहराइए अपना। सर मैं विद्यालय के नाम पे जमीन लीज पे दिया था अपनी जमीन सेंट जेवियर्स जी, कि जो अवैध तरीके से उससे चलाया जा रहा है, तीन से रखा हुआ है, इसके लिए मैंने अधिकारी लोगों को अवगत भी कराया तो कोई कार्रवाई नहीं होती सर, काफी पैसे वाले हैं। आपकी जमीन पर कब्जा हुआ है? जी जी मेरे जमीन पे अभी अवैध तरीके से विद्यालय चलाया जा रहा है। आपने पुलिस में भी इसकी शिकायत करी है? शिकायत मैंने सर शिक्षा खंड अधिकारी शिक्षा डीएम साहब को, शिक्षा मंत्री सबको मैंने लेटर भेजा। कितना कितना वक्त हो चुका है सर? लेटर भेजा हमको 6 तारीख को मैंने भेज दिया लेटर, इससे कोई कार्रवाई नहीं है। ठीक है, आपके सवाल का जवाब यहाँ पर ले लेते हैं। जी अल्तन जी, जी इसमें या तो आप पुलिस को कंप्लेंट करें, अगर वो एक्शन नहीं ले रहे हैं तो 156(3) में आप मैजिस्ट्रेट के सामने कंप्लेंट लिख सकते हैं, अगर उस पर भी एक्शन नहीं हो रहा है तो आप रिट पिटीशन में हाई कोर्ट के सामने जाएं, हाई कोर्ट को जाके बताएं कि हमने पुलिस में ये कंप्लेंट की है, पुलिस एक्शन ले नहीं रही है और अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं पोजेशन के और अपने टाइटल के डॉक्यूमेंट्स उसमें साथ में लगाएं। रिट पिटीशन में हाई कोर्ट जो है अगर कॉग्निजेंस ले लेता है तो, जैसे एक केस जो हमने किया है उसमें हाई कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले के जो इन्वेस्टिगेशन है लोकल पुलिस से वापस ले के उसे क्राइम ब्रांच को ट्रांसफ़र कर दिया था। तो आपको आपके सवालों का यहाँ पर जवाब मिल गया होगा, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अपने दर्शकों से कहना चाहते हैं अगर इससे जुड़े और भी कई सवाल हैं तो वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, टेलीफोन नंबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। दीपक सर एक सवाल और मैं यहाँ पर आपसे जानना चाह रहा था, जैसे कि लॉ ऑफ मेंटेनेंस के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तमाम पहलुओं के बारे में हमने यहाँ पर चर्चा भी की है, लेकिन इसमें एक चीज़ जो यहाँ पर देखी गई है कि
लॉ ऑफ मेंटेनेंस में मेंटेनेंस का खर्चा यहाँ पर देना, लेकिन उसका मापदंड कैसे तय किया जाता है कि किसको कितना मिलना चाहिए, किस तरह से यहाँ पर मांग रखी जाती है? जी दीपक जी, देखिए जो मेंटेनेंस का अमाउंट है वो कहीं फिक्स नहीं है, अब अनलिमिटेड है। उसको इस संदर्भ में यही देखा जाता है कि जब वो लेडी अपने हस्बैंड के घर में रहती थी तो जिस कंडीशन में रहती थी उसको अलग से वही कंडीशन में रहने का अधिकार है, उसी हिसाब से मेंटेनेंस तय किया जाता है कि वो लेडी जाकर के वहाँ पे अगर अपने हस्बैंड से अलग रह रही है तो वो उसी कंडीशन में जिस सुख सुविधा के साथ वो हस्बैंड के घर में रह रही थी उसी से रहे और उसी के अनुसार उसको मेंटेनेंस दिलाया जाता है। ठीक है, लेकिन अल्लादीन जी एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह है, जैसे कई कई ऐसे मामले सामने आए, जैसे अगर दहेज वाले मामले की बात की जाए, महिला प्रताड़ना की बात की जाए, कई ऐसे मामले सामने आते हैं जहाँ पर इनका दुरुपयोग भी होता है, और निश्चित तौर पर यहाँ पर भी ऐसा कुछ है, कई ऐसे मामले आते होंगे दुरुपयोग ऐसा होता होगा, तो उन तमाम पहलुओं को कैसे ध्यान में यहाँ पर मद्देनजर रखा जाता है? एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसमें केस का नाम है जसबीर कौर सहगल वर्सेस डिस्ट्रिक्ट जज देहरादून एंड अदर्स। इसमें इन्होंने क्वांटम के बारे में बात की कि कितना पैसा देना चाहिए मेंटेनेंस में। तो कोर्ट ने कहा कि मेंटेनेंस उसको उतना मिलना चाहिए जितने में उसका जो सस्टेनेंस है, जैसे अपने ससुराल में सस्टेनेंस हो रहा था उनका, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो था वैसा ही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन हो, अगर वैसा नहीं तो उसके आसपास कहीं वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन हो। लेकिन आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इन प्रविधानों का दुरुपयोग भी हो रहा है। लोग 125 CRPC लगा रहे हैं, लड़कियां बहुत बार ऐसा हो रहा है कि आउट ऑफ अपने विश में, अपने खुद के विश से लड़के को छोड़ के जा रही हैं, 125 का केस लगा रही हैं, डोमेस्टिक वायलेंस का केस लगा रही हैं, पर हम शायद ये कह सकते हैं इट इज़ ऑल पार्ट ऑफ द गेम। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर यह चीज़ कही जा सकती है कि कानून यहाँ पर अपने उसमें सख्त है, और ऐसे तमाम मामले होते हैं जिसमें महिलाओं के पक्ष के लिए, महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ यहाँ पर कायदे कानून बनाए गए हैं, जिसको कहा जा सकता है कि महिलाओं के लिए काफ़ी मददगार भी साबित हुए हैं, और लॉ ऑफ मेंटेनेंस भी उनमें से एक ही है। बहुत बहुत शुक्रिया लनिश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही दीपक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। तो फिलहाल अभी के लिए लीगल हेल्पलाइन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें APN के साथ। नमस्कार।